वासुदेव, रणभूमि को युद्ध का वास्तविक क्षेत्र न कभी आपने माना है और न ही मैंने। पधारिए, द्यूत खेल लेते हैं। यदि आप पराजित हुए तो दुर्योधन को विजयी घोषित करेंगे आप, और यदि मैं पराजित हो गया तो दुर्योधन की ओर से युधिष्ठिर को सम्राट मान लूंगा। दूसरों के जीवन को दांव पर लगाकर अपने भाग्य की परीक्षा करने का आपका स्वभाव आज भी नहीं गया मामाश्री, किंतु हम ना पांडवों को दांव पर लगाएंगे और ना ही दुर्योधन को। यदि मैं हार गया तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। और यदि आप हार गए तो आपको अग्नि स्नान करना होगा। विचार कर लीजिए, यदि मेरी मृत्यु हो गई तो कदाचित पांडवों का मनोबल टूट जाए। और आपका प्रिय दुर्योधन सम्राट बन जाए। मैं आपके पासों से खेलने के लिए भी सज्ज हूं, जिन्हें आप आज्ञा के दासियां कहते हैं। मुझे मान्य है, मेरे पास है, मेरी नियति है वासुदेव। स्मरण रहे, ये मेरी इच्छा से पढ़ते हैं। मैं जो अंक मांगू वही प्राप्त होते हैं। और मेरी नियति ही मेरे पास है मामाश्री। अंक तो ईश्वर की इच्छा से प्राप्त होते हैं, किंतु पासे पासे मैं अपनी इच्छा से फेंकता हूं। तात्पर्य, पासे फेंकना एक कर्म है मामाश्री, और प्राप्त होने वाला अंक उस कर्म का फल। आप अपने फल पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करते रहे जीवन भर, और मैं अपने कर्म को अपनी इच्छा के बंधन में रखता हूं। मैं निर्णय करता हूं पासे कब फेंकने और कब नहीं। वासुदेव, कर्म तो मनुष्य सदा ही अपनी इच्छा से ही करता है, किंतु जब अंक उचित प्राप्त होने लगे तब मनुष्य जीवन में जीतता है। यथार्थ तो लीजिए, मैं अपना दांव छोड़ता हूं आपके लिए। वासुदेव, आपके चारों मेरु अभी यात्रा पर निकले भी नहीं, और मेरा एक मेरु आदि यात्रा पूर्ण कर चुका है, फिर भी पासे नहीं फेंकेंगे? नहीं, आपके लिए। जैसी वासुदेव की इच्छा। लीजिए, मेरा ये मेरु अब उस दुर्ग पर जाकर बैठेगा। अब ये अजेय है। मनुष्य अपने कर्मों के फल को नियंत्रण करने का प्रयत्न करता है सदा। अपने कर्मों के फल को अपनी इच्छा से प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु जब पासे हाथ में आते हैं तो जुआरी बिना खेले रह नहीं पाता। वो ये जान ही नहीं पाता कि उसने पासों को नहीं बांधा, पासों ने उसे बांधा है। जीवन में भी मनुष्य यही चिंता करता है कि उसे उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा या नहीं। ये चिंता नहीं करता मामाश्री, ये कर्म करने का उचित समय है या नहीं। खेलिए मामाश्री।
पौ बारा। लीजिए वासुदेव, मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास से मेरी इच्छा के अनुसार फल देते हैं, इसलिए आपके कर्म के सिद्धांतों पर मेरा विचार करना आवश्यक नहीं। मनुष्य जब सफलता की यात्रा पर होता है तो ऐसे ही विचार करता है। इसी कारण से जब उसे निष्फलता का प्रथम समाचार मिलता है तो मंदिर की ओर दौड़ता है, और फिर सफलता मिलते ही उसे स्वयं पर विश्वास होने लगता है। वास्तव में उसका संपूर्ण विश्वास ना स्वयं पर है ना ईश्वर पर। दौड़ता रहता है गांधार से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से द्वारका और द्वारका से मगन, पासे फेंकता रहता है। उसे लगता है कि वो जीत रहा है, किंतु जीवन कोई द्यूत सभा तो नहीं मामाश्री कि केवल सामने बैठा व्यक्ति ही खेल रहा हो। हमारी दृष्टि मर्यादा के पार भी अनेक लोग हैं जो अपने अपने दांव खेल रहे हैं, उनका परिणाम भी हम पर पड़ता है ना मामा श्री? इसलिए मैं परिणाम पर नहीं कर्म पर अधिकार रखने का प्रयत्न करता हूं। लिए मामा श्री मैं एक और दाव छोड़ता हूं। आपने एक बार भी पासा नहीं फेंका है वासुदेव, कल अग्नि स्नान करना होगा, ये मरना है। यदि पराजित हो गया तो अग्नि स्नान अवश्य करूंगा, किंतु दाव छोड़ने को मैं पराजय नहीं कहता मामा श्री। खेलिए। खेलने की आपकी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरी कौन सी रीत आप आज तक समझ पाए हैं मामा श्री? कैसे तुम ये बार बार पराजित कर देते हो कृष्ण? जो केवल जीतने के लिए खेलता है उसे विजय और पराजय दोनों मिलते हैं। मैं तो केवल लीला करता हूं। लीला का अर्थ जानते हैं आप? जहां ना विजय का मोह हो और ना पराजय का भय, केवल जीवन जीने का आनंद और कुछ नहीं। असत्य मत कहो कृष्ण, क्या तुम्हें पांडवों की विजय का मोह नहीं? नहीं, कदापि नहीं। एक पात्र में धान के दाने भरे जा रहे हो तो गृहणियां उस पात्र को झकझोरती हैं, धान के दाने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। कौन सा दाना दब जाता है, कौन सा दाना ऊपर आ जाता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अंत में उन सब दानों को भोजन ही बनना है। समय आज संसार को झकझोर रहा है, मनुष्य नाम के दाने अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे, अधर्म कुछ मनुष्यों को ऊपर उठाएगा और समय पहले उनका भोजन करेगा, धर्म कुछ मनुष्यों का रक्षण करेगा और उनका भोजन बाद में किया जाएगा। काल के मुख में तो एक दिन सबको जाना है, किंतु महत्वपूर्ण ये कब और कैसे। मुझे किसी का मोह नहीं है,
केवल धर्म की विजय का विश्वास। कल प्रातःकाल मेरा बच्चा दुर्योधन पांचों पांडवों का वध कर देगा। आपको अग्नि स्नान करना होगा, उसके पश्चात मेरी विजय हो जाएगी और मेरे ही शब्द धर्म कहलाएंगे। मामा श्री वासुदेव, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि भ्राता श्री दुर्योधन वज्र का शरीर लेकर आएंगे या फिर उनका कोई अंग निर्बल रह जाएगा? बैठिए मामा श्री, युद्ध को मध्य में छोड़कर जाएंगे तो आपको अग्नि स्नान करना होगा। दूत, कपटी, चलिया, अब फिर से कौन सी माया खेली है तुमने? मैंने तो केवल आपके प्रिय दुर्योधन को इतना कहा कि एक युवान को अपनी माता के समक्ष पूर्ण निर्वस्त्र होकर नहीं जाना चाहिए। उचित व्यवहार नहीं होता, पाप होता है। मामा श्री, मैंने तो अभी एक पासा तक नहीं फेंका और आपने हार मान ली। धूर्त, कपटी, वासुदेव,